अस्सलामु अलैकुम। हेलो एट्थ क्लास, प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 6, ग्रामर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 6। वी हैव कंप्लीटेड 5 एक्सरसाइजेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 6। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न यूज ऑफ हैड। इस एक्सरसाइज में आप हैड का इस्तेमाल सीखेंगे, जिस तरह हम हैज हैव को प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं कि वो प्रेजेंट में मलकियत को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पास्ट में मलकियत को जाहिर करने के लिए हम हैड यूज करते हैं। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। किसान के पास दरांती न थी, द फार्मर हैड नो सिकल। माजी में, पास्ट में किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर किया गया है कि उसके पास कुछ था या नहीं। तुम्हारे भाई के पास पिस्तौल ना था, योर ब्रदर हैड नो पिस्टल। हमारा नौकर बंदूक का लाइसेंस नहीं रखता था, आर सर्वेंट हैड नॉट द लाइसेंस ऑफ गन, या गन लाइसेंस आप कह सकते हैं। इन क्लॉकवियल बोलचाल में आ सकता है। इनके पास एक नया हल था, दे हैड अ न्यू प्लो। हल को प्लो कहते हैं, आपको पता है। अंधे फकीर के पास लैंप क्यों था, वाई हैड द बैगर, वाई हैड द ब्लाइंड बैगर अ लैंप। क्या घोड़ा लगाम और जैन रखता था, यानी क्या उसकी लगाम और जैन थी, जो जैन उसके ऊपर होती है जैन, तो आप इसका करेंगे हैड द हॉर्स अ ब्राइडल एंड अ सैडल। नन्नी के पास एक अजीब गुड़िया थी, नन्नी हैड अ स्ट्रेंज डॉल। असगर के पास कितने लड्डू थे, हाउ मैनी टॉप्स हैड असगर, इंट्रोगेटिव है। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था, वी हैड नो हाउंड। शिकारी कुत्ते को हाउंड कहते हैं। क्या इस शहर का घंटाघर था, हैड दिस सिटी अ क्लॉक टावर, घंटाघर मीन क्लॉक टावर। आप देख रहे हैं कि इन सब में हम हैड लगा रहे हैं। इस दरिया पर पुल क्यों ना था, वाई हैड दिस रिवर नो ब्रिज। सिपाही वर्दी क्यों नहीं रखता था, वाई हैड द पुलिसमैन नॉट अ यूनिफॉर्म। गार्ड के पास दो झंडियां थीं, द गार्ड हैड टू बंटिंग्स। झंडी को बंटिंग बोलते हैं, हैड टू बंटिंग्स। खिलाड़ियों के पास सामान ना था, द प्लेयर्स हैड नो गुड्स, या किट्स या लगेज, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्या इस गाय के सींग ना थे, हैड दैट को नो हॉर्न्स। क्या जहाज में कोई मुसाफिर ना था, हैड द एरोप्लेन नो पैसेंजर। आपके मकान का ताला ना था, योर हाउस हैड नो लॉक। मेरे साइकिल के साथ घंटी थी, माई साइकिल हैड अ बेल विद इट। स्कूल का चपरासी ना था, द स्कूल हैड नो पियन। स्कूल के दफ्तर में कायदे आजम की बड़ी तस्वीर थी, द स्कूल ऑफिस हैड अ लार्ज पोर्ट्रेट ऑफ द कायदे आजम। Now you have to prepare this exercise. We have completed exercise number 1 to 10. We have completed first 10 exercises and you have to prepare these exercises very well. आपने अच्छी तरह इनको तैयार करना है। Thanks for watching video. Allah Hafiz.